चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 को कहा, स्वागत है दोस्त। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बीच हुई लैंडिंग पर बात। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 को लैंडिंग में करेगा मदद। सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग में करेगा मदद चंद्रयान 2 का ऑर्बिट। चंद्रयान 3 के लैंडिंग अपडेट में चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने सबसे ताज़ा अपडेट दिया है। इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के बीच संपर्क हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत का मिशन चांद लगातार अपने कदम की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। हर पल यान की चांद से दूरी कम होती जा रही है। अब इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के बीच सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित हुई है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया है और दोनों के बीच दो तरफा संवाद हुआ है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का ताज़ा अपडेट भी दिया गया है। वहीं चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रयान 3 को लैंडिंग में करेगा मदद। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रयान 3 पल पल चांद की सतह को चूमने के लिए और करीब चांद के जा रहा है। इसरो के वैज्ञानिक इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि चाहे कोई भी गड़बड़ी क्यों न हो जाए, लेकिन यान की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हो ही जाएगी। पहले इसरो चीफ सोमनाथ और फिर चंद्रयान 2 और 3 के लॉन्चिंग के वक्त इसरो के सहयोगी रहे एयरोस्पेस वैज्ञानिक प्रोफेसर राधाकांत पाधीन का भी यही दावा है कि चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इसरो ने बहुत सुधार किए हैं और यान 3 को इस तरह से बनाया गया है कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हर हाल में संभव हो सके। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से हुआ संपर्क। इसरो ने सोमवार 21 अगस्त 2023 को जानकारी दी है कि चांद की तरफ बढ़ रहा चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से सफलतापूर्वक संपर्क स्थापित कर चुका है। दोनों के बीच दो तरफा संवाद भी हुआ है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद की कक्षा में चंद्रयान 3 का स्वागत किया और बता दें कि रविवार सुबह तक चंद्रयान 3 के चांद की सतह से दूरी महज 25 किलोमीटर ही थी, जो अब घटकर काफ़ी कम हो गई है। चंद्रयान 3 चांद के तरफ चक्कर लगाते हुए उसके नज़दीक जा रहा है। कब होगी लैंडिंग? इसरो ने 21 अगस्त चंद्रयान 3 के लैंडिंग पर ताज़ा अपडेट दिया है। बताया है कि लैंडिंग का समय 23 अगस्त शाम 6:04 पर रखा गया है। इस समय यान की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। इसरो ने यह भी बताया है कि लैंडिंग इवेंट का सीधा प्रसारण स्थानीय समयानुसार शाम 5:20 पर शुरू कर दिया जाएगा। क्या है चुनौती चंद्रयान 3 के लैंडिंग में? पहली चुनौती है कि लैंडर की रफ्तार को नियंत्रित रखना। पिछली बार अधिक रफ्तार की वजह से लैंडर क्रैश कर गया था। इसके अलावा लैंडर चंद्रयान 3 के लिए दूसरी चुनौती यह है कि लैंडर उतरते समय सीधा रहे। वहीं लैंडर के लिए तीसरी चुनौती यह है कि उसी जगह पर उसे उतरना है जहां इसरो ने चुन रखी है। चंद्रयान 3 लैंडिंग अपडेट्स। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग में क्या है सबसे बड़ी चुनौती? इसरो चीफ ने बताया, 14 जुलाई के प्रक्षेपण के बाद पिछले 3 हफ्तों में 5 से अधिक प्रक्रियाओं में इसरो ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी से दूर आगे की कक्षा पर बढ़ाया था। जी दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने रविवार को कहा है कि उसने चंद्रयान 3 का मिशन के लैंडर मॉड्यूल LM को कक्षा में थोड़ा और नीचे सफलतापूर्वक पहुँचा दिया है, जिससे यह चंद्रमा की और करीब आ गया है। इसरो ने कहा कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने युक्त लैंडर मॉड्यूल के 23 अगस्त की शाम को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। इसी बीच इसरो ने चीफ सोमनाथ ने लैंडिंग में आने वाली चुनौतियों का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान महत्वपूर्ण यह है कि अंतरिक्ष यान की दिशा निर्धारित हो। उन्होंने कहा है कि लैंडिंग प्रक्रिया की शुरुआत में वेग लगभग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन यह गति चंद्रमा की सतह के क्षैतिज पर है। चंद्रयान 3 का लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, इसे लंबवत होना होगा, नहीं तो यह क्रैश कर सकता है। इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि दूसरी ओर अंतिम जी बूस्टिंग धीमा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अभियान में लैंडिंग मॉड्यूल सफलतापूर्वक कक्षा में और नीचे आ गया है। मॉड्यूल अब अंतरिक्ष जांच पर प्रक्रिया से गुजरेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग 30 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल और प्रणोदक मॉड्यूल 14 जुलाई को मिशन की शुरुआत होने पर 35 दिन बाद बृहस्पतिवार को सफलतापूर्वक अलग हो गए थे।
इसरो के सूत्रों ने बताया है कि पूर्व प्रणोदक मॉड्यूल से अलग हुए लैंडर को एक ऐसी कक्षा में ले जाने के लिए डीबूस्ट से गुजरा गया है, जहां प्रपोल्सन चंद्रमा की कक्षा का निकटतम बिंदु 30 किलोमीटर और अपोल्यूशन चंद्रमा से सबसे दूर का बिंदु 100 किलोमीटर ही दूर पर है, जहां से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव। इसरो के अनुसार अगर आज सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया चंद्रयान 3, तो इसरो के पास तैयार है कई प्लान्स। चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर यह लैंडिंग नहीं हो पाती है तो इसरो के पास कई प्लान्स और है। लैंडिंग के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं बचा है। चंद्रयान मिशन को लेकर इसरो पूरी तरह से आश्वस्त है। इसरो के चीफ ने कहा है कि यहां सॉफ्ट लैंडिंग फेल होने का कोई चांस नहीं है। दरअसल चंद्रयान 2 के फेल होने के बाद इसरो उन सभी कमियों को दूर कर चुका है जिसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और लैंडर से संपर्क टूट गया था। इस बार हर तरीके से लैंड करने के लिए विक्रम को तैयार किया गया है। यहां तक कि अगर लैंडर विक्रम का इंजन भी फेल हो गया तब भी इसकी लैंडिंग होगी। फिर भी अगर मान लेते हैं कि आज लैंडिंग मिस हो जाती है तो इसके लिए भी इसरो ने तैयारियां कर रखी है। दूसरी बार होगी सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश। मान लीजिए किसी भी दिक्कत की वजह से आज सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती तो इसरो दूसरा प्रयास 27 अगस्त को करेगा। बता दें कि आज 4:45 से ही लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चंद्रमा पर सूर्योदय के साथ ही लैंडर विक्रम उतरने लगेगा। 17 का समय बेहद खतरनाक रहने वाला है। इस समय भारत समेत पूरी दुनिया की सांसें थमी होगी। दरअसल चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रहे लैंडर को पहले हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में आना होगा। यह प्रक्रिया काफ़ी कठिन मानी जाती है। इसरो के चेयरमैन ने कहा, अगर सेंसर फेल हो जाते हैं, इंजन काम करना बंद कर देता है, तो भी विक्रम लैंडिंग करेगा। इस हिसाब से इसे डिजाइन किया गया है कि प्रपल्शन सिस्टम काम करता रहेगा। अगर दोनों इंजन काम करना बंद कर देंगे तब भी लैंडर चांद पर सतह पर उतर जाएगा। अगर आज लैंडिंग मिस हो जाती है तो 14 दिनों तक फिर प्रयास करने का रास्ता खुला रहेगा। बता दें कि साउथ पोल पर 14 दिन तक सूर्य की रोशनी रहेगी। कहां और कैसे देख सकेंगे चंद्रयान 3 की लाइव सॉफ्ट लैंडिंग? यह बता दें कि इस समय चंद्रयान 25×134 किलोमीटर की कक्षा में लगातार चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 मिशन पर एन वक्त पर फेल हो गया था। चांद के महज 2.1 किलोमीटर की दूरी पर लैंडर से संपर्क टूट गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी शुरू हो गई थी। इसरो के चेयरमैन ने कहा कि सबसे ज़रूरी है कि चांद पर लैंड करने के लिए सही जगह का मिलना। अगर कोई भी